अब जातीय जनगणना का क्या होगा? यात्रा और हनीमून में बीच फंसा जातीय जनगणना। बिहार के दोनों प्रमुख नेता अगले महीने तक व्यस्त। साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला ग्रेजुएशन का छात्र। नो फ्यूल नो पॉल्यूशन का संदेश लेकर यूपी से निकला युवक नालंदा पहुंचा। अब तक 2200 किलोमीटर की तय की यात्रा। पटना में इंजीनियर के घर निगरानी की रेड। सिर्फ 4 घंटे में मिले 60 लाख से अधिक कैश। पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। खगड़िया में जेल से बाहर आए युवक की गोली मारकर हत्या। 6 साल पहले जिसे मारी थी गोली, उसी ने आज किया मर्डर। घटना के बाद आरोपी फरार। देर रात मधेपुरा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पुरैनी और आलमनगर में हुई हत्या के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। मोबाइल की रोशनी में लोगों को संबोधित किया। बिहार में 8386 फिजिकल टीचरों की बहाली का रास्ता साफ। अधिसूचना जारी। पूरे समय तक स्कूल में रहने की बाध्यता नहीं होगी। मानदेय 8000 रुपए। बिहार यूनाइटेड ने मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग को 5-0 से हराया। बिहार सॉकर लीग का तीसरा मैच एक तरफा। फिर भी बेस्ट ऑफ 22 बने मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग के गोलकीपर। विदेश से मुजफ्फरपुर आए 100 लोग अभी भी ट्रेसलेस। स्वास्थ्य विभाग को नहीं लग रहा पता। मोबाइल भी स्विच ऑफ। अब तक 105 की हुई जांच। दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर में लगा क्यूब वॉशिंग मशीन। 10 मिनट में 24 बोगी की ट्रेनों में भरा जाएगा पानी। 40 एचपी का 8 पंप लगाया गया। विश्वविद्यालय एथलेट्स टीम का सिलेक्शन ट्रायल संपन्न। मंगलौर यूनिवर्सिटी जाएगा चयन पुरुष खिलाड़ी। IIT भुवनेश्वर जाएगी महिला खिलाड़ी। भोजपुरी के शेक्सपियर की जयंती आज। भिखारी ठाकुर खुद रहे शिक्षा से वंचित, लेकिन अपनी रचनाओं से नारी शिक्षा व सामाजिक बुराइयों पर किया प्रहार। दरोगा और अटेंडेंट पद के लिए लिखित परीक्षा 26 को। 2 पालियों में होगी परीक्षा। सीतामढ़ी में बनाए गए हैं 10 परीक्षा केंद्र। केंद्र अधीक्षक नियुक्त। मधुबनी में 4 घंटों से एम्बुलेंस के इंतजार में बच्चे। बाल हृदय योजना में पटना से जांच कर लौटे। घर जाने के लिए नहीं इंतजाम। पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन वृद्धि के लिए कैलकुलेटर तैयार। नए साल में मिलेगा फायदा। वेतन में होगी 2010 से 5120 रुपए तक की वृद्धि। शीतलहर का प्रभाव, स्कूल हो सकते हैं बंद। बिहार में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हुआ तो स्कूल होंगे बंद। अभी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस।